पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता जम्मू में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से राजभवन की तरफ जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने पूरे कांग्रेस दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजभवन की तरफ जाने नहीं दिया। वहीं कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया। इधर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए राजभवन की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकी तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि उनके सत्याग्रह को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 दिन में 30 घंटों तक पूछताछ की। कल ईडी ने एक बार फिर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल और बेंगलुरु, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ और हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही इस पूछताछ का कांग्रेस। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है केंद्र सरकार और इसके विरोध में कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर ईडी ने राहुल गांधी को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। इधर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दुरुपयोग और कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय में लाठीचार्ज की घटना को लेकर कांग्रेस ने राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया और राजभवन तक पैदल मार्च किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं पर जबरन कार्रवाई कर रही है, जिसका कांग्रेस कड़े शब्दों में विरोध करती है। लगातार राहुल गांधी सोनिया गांधी को परेशान कर रही है और इसकी शिकायत को लेकर आज कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनसे बात करेंगे। सर, राज्यपाल से बात हुई है, ज्ञापन सौंपा है, क्या बातें रखी आप लोगों? देखिए, केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी जो जब जब चुनाव आते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो ईडी देखती है, जो विपक्ष के नेताओं की विपक्षी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। योद्धा बनकर 3 दिनों तक ईडी के हर प्रश्न के जवाब दे रहे हैं और मुझे लगता है ईडी के पास कोई प्रूफ या कोई होता तो हमारे नेता के ऊपर कार्यवाही करती, मगर कार्यवाही उनके पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब साफ है, हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। राज्यपाल ने कुछ आश्वासन दिया, क्या वो बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगी? देखिए, हम ज्ञापन के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल महोदया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है और केंद्रीय जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान, उनका राजनीतिक दुरुपयोग करना बंद करे, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमने निवेदन किया है। भाजपा का आरोप है कि कहना है कि ये गांधी परिवार क्या नियम कानून से ऊपर है क्या? नहीं, देखिए, भाजपा क्या है, आज अगर ईडी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रूफ है तो कार्यवाही क्यों नहीं करती, हमारे नेताओं को क्यों परेशान करती है? जब जब विपक्ष के नेता केंद्र सरकार की नाकामियों को देश की जनता के सामने उजागर करते हैं तो केंद्र सरकार को तकलीफ होती है। आज अगर उनके पास प्रूफ है, 3 दिन से बुला रही है हमारे नेता आपको, तो कार्यवाही क्यों नहीं करती, चुप क्यों बैठी है, और केंद्रीय एजेंसियाँ क्यों चुप बैठी हैं, तो हम वही पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं, हम गोरों से नहीं डरे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के चोरों से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है और कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्र सरकार की इस हरकत से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कैमरामैन इकराम कुरैसी के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH News, रायपुर।